सबसे पहली खबर जहां पर अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में आपको बताएंगे। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज बीजेपी का आरोप पत्र पेश करेंगे अमित शाह। जनजातीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस वक्त की खास खबर छत्तीसगढ़ से, लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है अमित शाह और आज दो दिन से छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं अमित शाह। 1 और 2 सितंबर दोनों दिन छत्तीसगढ़ में मौजूद रहे अमित शाह और लगातार मैराथन बैठकें की सभी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की, मंथन किया, चर्चा की। आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं अमित शाह। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। जनजातीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है और 2 केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की बैठकें ली अमित शाह ने। लगातार 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के अमित शाह। आज अमित शाह आरोप पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और इसके अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब आज 2 सितंबर को सुबह 11 बजे साइंस कॉलेज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे अर्जुंदा सरायपाली में जनजाति समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे अमित शाह। इसमें उनकी महासमुंद जिले के 4 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट को साधने की कोशिश रहेगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम। बात करेंगे मनमोहन, जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर है अमित शाह, आज दूसरा दिन है और आज आरोप पत्र पेश करेंगे, क्या अपडेट है और क्या क्या कार्यक्रम है जहां पर वे जाएंगे और कब लौटेंगे? बिल्कुल, देखिए निशा, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दिन है। कल देर रात वो राजधानी रायपुर पहुंचे और निश्चित तौर पर चुनावी साल है और लगातार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आरोप पत्र है वो आरोप पत्र भी आज जारी करेंगे गृह मंत्री और इसके साथ साथ कुशाभा ठाकरे परिसर में भी एक बैठक होगी। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है यह राजधानी रायपुर के साथ साथ महासमुंद जिले के सरायपाली में भी एक बृहद कार्यक्रम है। इसमें जनजातीय समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में अमित शाह शामिल होंगे और शाम 6 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, चुनावी साल है और बीजेपी अब तक 31 प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो कर दी है और बचे अन्य सीटों की घोषणा भी करनी है। तो एक बड़ी बैठक आज बीजेपी कार्यालय में होगी और इस बैठक में चिंतन मनन किया जाएगा, एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी और मुख्य एजेंडा यह रहेगा कि प्रत्याशियों की घोषणा किस तरीके से हो और जीताऊ प्रत्याशियों को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने की लगातार जो बैठक है वो ले रही है और खुद इस पूरे मामले पर अमित शाह कमान संभाले हुए हैं। तो आज अमित शाह का राजधानी रायपुर के साथ महासमुंद जिले के सरायपाली में एक बड़ी कार्यक्रम है और इसे लेकर पूरी तरीके से जो बीजेपी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो तैयारियों में जुट गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इस पूरे मामले पर, इस पूरे राजनीति देखी जा रही है कि अगर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो किस तरीके से नए चेहरे होंगे और क्या उसमें कुछ नया देखा जाएगा। हमने देखा है 21
प्रत्याशियों की घोषणा में नए चेहरों को भी मौका दी गई है। तो आज अमित शाह का यह जो दौरा है यह काफी महत्वपूर्ण है और उन्होंने छत्तीसगढ़ में अब ठान लिया है कि छत्तीसगढ़ में पुनः बीजेपी की सरकार हो, इसे लेकर लगातार वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो अमित शाह आज बीजेपी के जो बड़े चेहरे में उनके साथ वो बैठक लेंगे और बैठक में बचे अन्य जो विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं उसका भी न करना बाकी है, तो उसे लेकर भी एक ठोस चिंतन मनन होगा और बैठक में काफी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निकल के आएंगी और आरोप पत्र भी आज अमित शाह के उपस्थित में बीजेपी जारी करेगी। जी मनमोहन, जैसा कि 70 दिन के भीतर अमित शाह का ये चौथा दौरा है और ऐसे में ये जो बैठक उन्होंने ली है काफी अहम मानी जा रही है, साथ में सह प्रभारी जो है प्रदेश चुनाव के यहाँ पर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी जो है यहाँ पर अपनी कमर कस ली है। क्या ऐसा प्लान है बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ में इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को जो है पीछे करके आगे आने का, ऐसा विशेष क्या प्लान बना सकती है बीजेपी? ऐसी कौन सी चीजें सामने दिखर कर आ रही है जो कांग्रेस ने नहीं की छत्तीसगढ़ में और बीजेपी वहां पर ऐसा क्या प्लान बनाएगी जिससे कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े? बिल्कुल, देखिए समीसा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 साल सत्ता में रही है और छत्तीसगढ़ की सभी जो वर्ग को वो साधने का प्रयास किया 15 साल में। हालांकि वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के द्वारा जो योजनाएं संचालित की गई थी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या तात्कालिक रमन सिंह सरकार की हो, उसे वो लेकर भुनाना चाहती है कि बीजेपी के पार्टी के द्वारा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बीते 15 साल में जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं को लाया गया था और कहीं ना कहीं जो चाउर वाले बाबा के नाम से रमन सिंह जाने पहचाने जानते थे, तो देखिए 15 साल सत्ता में रहने के बाद वो सत्ता से बेदखल हो गई, तो वो 15 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से जो विकास के काम हुए हैं उसे गिनाने का प्रयास करेगी बीजेपी। और दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के 4.5 साल के नाकामयाबी को वो जनता के पास रखने जा रही है और सिर्फ बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितने 36 वादे किए थे, चाहे वो हम शराबबंदी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें एवं अन्य जो मसले हैं इस पूरे मामले पर, वो कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी को जनता के पास लाकर इसे भुनाना चाह रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4.5 साल में प्रदेश की जनता भी देख चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने कितने काम किए हैं और 15 साल में कितने काम हुए हैं। वो तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना यह है कि 15 साल बनाम 4.5 साल, तो निश्चित तौर पर बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। चुनावी साल है और 15 साल वो प्रदेश में सरकार में रही है, तो वो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में फिलहाल जुट गई है और बीजेपी के चाणक्य नेता कहे जाने वाले अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ में लगातार पहुंच रहे हैं और हर पहलुओं पर चिंतन मनन हो रहा है। और देखिए बीजेपी के द्वारा जो 21 सीट में जो प्रत्याशियों का जो ऐलान हुआ है उसमें नए चेहरों को मौका दी गई है और बीजेपी का थीम भी रहा है कि छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता को वो नहीं बल्कि उसके पार्टी के प्रति समर्पित ये को देखकर वो टिकट देती है और इस बार तो जीताऊ प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि पिछले बार बीजेपी के द्वारा 2018 चुनाव में जिस तरीके से उसकी हार हुई है तो उसे वो अब दोबारा उस तस्वीर को सामने नहीं लाना चाहती। तो निश्चित तौर पर एक चुनावी साल के होने के कारण लगातार गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर अब बीजेपी ने भी ठान लिया है कि पुनः छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने। मनमोहन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कांटे की टक्कर है इस बार और आज जैसा कि राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के में दौरे पर रहेंगे, दोनों अमित शाह और राहुल गांधी एक ही समय पे एक ही दिन छत्तीसगढ़ में हैं, तो किस तरह का वहां पर जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, किसकी तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है? जी मनमोहन, आज कांग्रेस के जो बड़े चेहरे राहुल गांधी वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में राजीव युवा मितान क्लब का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इसमें पूरे प्रदेश भर के जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और कांग्रेस का जो उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी ने बताया भी है कि तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख जो भीड़ है वो जुटाने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ
आज दूसरा दिन है अमित शाह का छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं सियासी जो तस्वीर है वो छत्तीसगढ़ में आज देखी जाएगी। और राजनीतिक बात कहें तो दोनों जो नेता हैं वो एक दूसरे को किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप या जो बयानबाजी है वो देंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए, और इसलिए भी आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज छत्तीसगढ़ में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन रहेगा आज, ऐतिहासिक दिन रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए। और राजनीति पृष्ठभूमि से आज का दिन खास माना इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए राजधानी रायपुर में राहुल गांधी युवाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जनजातीय सम्मेलन में महासमुंद जिले के सराईपाली में अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस में आज जो अपनी शक्ति प्रदर्शन है वो किस तरीके से होता है। जी बहुत शुक्रिया मनमोहन इन तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बता दें हम अपने दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करने के लिए क्या बीजेपी का प्लान रहेगा, जिसके लिए रायपुर में कोर कमेटी की बैठक में शामिल हैं अमित शाह। और साथ में आपको बता दें कि आज जनजाति सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं, 2 सितंबर आज और कल दो दिन के दौरे पर वे रायपुर में हैं। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है।